इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के व्यू के बारे में। तो देखिए निफ्टी का ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट पे ही हम जान जाएंगे कि किस तरह से आपको ट्रेड करना है। निफ्टी जो है ये इनसाइड कैंडल फॉर्म किया है, ये रेड कैंडल का जब तक लो या हाई ब्रेक नहीं होता है तब तक निफ्टी जो है किसी भी डायरेक्शनल मूव को नहीं दिखाएगा। तो अगर ऊपर वाला लेवल ब्रेक होता है इस कैंडल का तो निफ्टी यहाँ बुलिश होगा, अगर नीचे वाला लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पर निफ्टी बेरिश हो जाएगा। तो निफ्टी में डायरेक्शनल मूव तभी होगा जब ये हाई ब्रेक करे या तो लो ब्रेक करे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी भी यहाँ पर सेम चार्ट पैटर्न बनाया है, इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ, ये एक रेड कैंडल है, रेड कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा तो ये बुलिश होगा, रेड कैंडल के लो को ब्रेक करेगा तो फिर ये बेरिश हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है, अगर इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर बैंक निफ्टी काफी ज्यादा बेरिश हो जाएगा। बस इतना ही सिंपल चार्ट पैटर्न के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी को हमें ट्रेड करना है। अगर इस बीच में ट्रेड करता है, ये जो दो लेवल्स मैंने ड्रॉ किया है, तो फिर आपको अपसाइड और डाउनसाइड दोनों मोमेंटम मिल सकता है। निफ्टी में भी वही बात है, जब तक इस दोनों लेवल्स के बीच है तो अपसाइड और डाउनसाइड दोनों मोमेंटम मिल सकता है। निफ्टी के अभी डाउनसाइड मोमेंटम काफी लिमिटेड है, डाउनसाइड ये मूव तब करेगा जब ये फिर से 16,800 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर पूरी तरह से बेरिश होगा। अदरवाइज थोड़ा बहुत यहाँ पर बेरिश मोमेंटम मतलब प्राइस वाइज करेक्शन हमें देखने मिल सकता है। अगर इसी दोनों लेवल के बीच ट्रेड करता है तो फिर यहाँ पर ये टाइम वाइज करेक्शन होगा। तो फिर अगर ये ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है 17,500 को तो इस रेसिस्टेंस लेवल तक आ सकता है। अगर इस ट्रेन लाइन को ब्रेक करता है, ये जो ट्रेन लाइन मैंने ड्रॉ कर रखा है, और उस ट्रेन लाइन को ब्रेक करने के बाद फिर एक बड़ा अपसाइड मोमेंटम निफ्टी दिखा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। इतना ही सिंपल ट्रेड सेटअप के साथ हम निफ्टी में बुलिश और बेयरिश ट्रेड करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।